विपक्षी गठबंधन इंडिया की दो दिवसीय बैठक शुक्रवार को मुंबई में खत्म हो गई। इस दौरान ममता बनर्जी और राहुल गांधी के बीच काफी मनमुटाव देखने को मिला, जिसके बाद अब टीएमसी पार्टी ने एक अहम फैसला ले लिया है। दरअसल कयास लगाए जा रहे हैं कि ममता बनर्जी अब इंडिया गठबंधन से हटना चाहती है। दरअसल आपको बता दें कि अब ऐसे में अगर ममता बनर्जी गठबंधन का साथ छोड़ती है तो ये कांग्रेस के लिए काफी बड़ी मुसीबत ला सकती है। आपको बता दें जहां चुनाव सीटों को लेकर अभी तक गठबंधन में कोई चर्चा नहीं हुई है, अब ऐसे में ममता बनर्जी अगर विपक्ष गठबंधन से हटती हैं तो ये कांग्रेस के लिए काफी बुरा साबित हो सकता है। आपको बता दें कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। दरअसल आपको बता दें कि मुंबई में हुई दो दिवसीय बैठक में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की नाराजगी की खबर सामने आई थी। बताया गया था कि उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से नाराजगी जाहिर की और पूछा है कि उन्होंने बिना कोई बात किए अडानी का मुद्दा क्यों उठाया। सूत्रों के मुताबिक टीएमसी चीफ ने कहा कि सबसे बातचीत जरूरी है, कांग्रेस अकेले अपना मुद्दा नहीं बना सकती है। इन दावों को तृणमूल कांग्रेस के सूत्रों ने गलत बताया। सूत्रों का कहना है कि ममता बनर्जी सीट बंटवारे पर चर्चा चाहती है। बंगाल में लेफ्ट के रूप में उन्हें आपत्ति है, लेकिन अडानी को लेकर जो अटकलें लगाई जा रही हैं वो बेबुनियाद है। एक दिन पहले ही टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की थी। माना जा रहा है कि इसमें सीट शेयरिंग समेत कई मसलों पर बातचीत हुई। गौरतलब है कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शुक्रवार को पीसी कर OCCRP की ओर से अडानी ग्रुप के खिलाफ लगाए गए आरोपों को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि इस मामले में संयुक्त संसदीय समिति का गठन का गहन जांच कराई जानी चाहिए। विपक्षी गठबंधन इंडिया नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस की मीटिंग में 14 सदस्य समन्वय स्थिति गठित करने का फैसला लिया गया है। घटक दलों के नेताओं ने संकल्प लिया कि वो आगामी लोकसभा चुनाव में जहां तक संभव होगा वहां तक मिलकर लड़ेंगे और बहुत जल्द सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा होगी। दरअसल विपक्षी दलों ने साथ ही जनहित से जुड़े मुद्दों पर जनसभाएं आयोजित करने का भी संकल्प लिया। मुंबई में हुई इस अहम बैठक में 28 दलों के 60 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने मंथन किया। इस बैठक की मेजबानी शिवसेना के नेतृत्व में MBA ने की। इससे पहले भी इंडिया गठबंधन की दो बैठक हुई हैं, जिसमें पहली बैठक 23 जून को पटना में हुई और दूसरी बैठक 18 जुलाई को बेंगलुरु में हुई थी। गठबंधन की अगली बैठक दिल्ली में है। अब ऐसे में ममता बनर्जी को नाराज करने के बाद अब ऐसा मुश्किल लग रहा है कि दिल्ली की बैठक में ममता बनर्जी शामिल हों। खैर, आपको क्या लगता है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।